लहसुन और नमक, इन तीनों इनको पीस लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने ये पेस्ट बना दिया है, अब हम इसे छोकेंगे। गरम इसके लिए हम गैस में गैस गरम करके और हमने कढ़ाई में तेल डालेंगे। एक चम्मच तेल आधी चम्मच आधी चम्मच घी डाल दिया। और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर गरम होने देते हैं। गरम होने के बाद हम इसमें थोड़ा जीरा, थोड़ी सी राई और जो हमने मिर्ची का पेस्ट पीसा था गैस बंद ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं ताकि हमारा तेल और घी ठंडा हो जाए। जब तक हम इन्हें निकाल लेते हैं इसमें डाल देते हैं। ऑन कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। थोड़ा धनिया डाल देते हैं। हमारी चटनी पक रही है। और अब ये चटनी देखिए बनकर तैयार हो गई है। हम इन्हें पराठा चपाती इनके साथ खा सकते हैं। ये अपनी चटनी लहसुन की चटनी बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ कृपया अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो मेरे चैनल मेरी रसोई में सब्सक्राइब करें।